हेलो स्टूडेंट, आज हम विज्ञान डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आज आपका टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र अथवा जो है वो पारितंत्र। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पौधे तथा जंतु जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं। उनके आवास स्थल एवं पर्यावरण के अनुसार उसमें जो है वो विभिन्नताएँ होती हैं। अर्थात किसी स्थान की वनस्पति या जंतुओं के प्रकार के निर्धारण में वहाँ उपस्थित जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकृति में दो जो है प्रमुख घटकों जीव एवं पर्यावरण से पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। अर्थात वनस्पतियों तथा प्राणियों का उनके वातावरण के पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी जो है वो कहते हैं। पारिस्थितिकी जो है वो कहते हैं। रीडर नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रयोग किया, परंतु इसकी व्याख्या ई हैकल ने जो है वो की थी। रीडर ने जो है वो क्या किया था, इस शब्द का प्रयोग किया था। रीडर ने इस शब्द का प्रयोग किया, रीडर ने जो है इस शब्द का प्रयोग किया और इसकी व्याख्या जो है, इसकी जो व्याख्या थी वो ई जो है हैकल, ई हैकल ने की। इसकी जो व्याख्या थी वो ई हैकल ने जो है वो की थी। पारिस्थितिक शब्द का उद्गम दो ग्रीक शब्दों ओइकॉस, दो जो है वो ग्रीक शब्दों दो जो है ग्रीक शब्दों ओइकॉस यानी कि हाउस, ओइकॉस यानी कि जो है वो हाउस यानी आवास, आवास और क्या कहते हैं लोगोज यानी कि स्टडी, स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी कि अध्ययन से जो है वो शुरू हुआ। आवास से तात्पर्य जीवों की प्राकृतिक आवास या जो है वो पर्यावरण से है। जैव समुदाय की हम इसमें बात करते हैं, जैव समुदाय की हम बात करते हैं तो एक से अधिक जाति का वह समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव समुदाय कहलाता है। पारितंत्र, अब इसी में एक वर्ड जो है अब बात करते हैं पारितंत्र की। पारितंत्र की हम बात करते हैं तो किसी जैव समुदाय का वातावरण तथा उस समय उस स्थान पर रहने वाले जीवधारी मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसे जो है वो क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी बात जैव समुदाय और जो है वो पारितंत्र की। आप बात करते हैं पारिस्थितिक जो है वो तंत्र की। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या था, एजी टेंसली नामक जो है वैज्ञानिक ने सन 1935 में जो है वो इसका प्रयोग किया था। एजी जो है टेंसली किस में 1935 में पारिस्थितिक जो तंत्र का जो शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो एजी टेंसली ने 1935 में जो है वो किया था। तो इसका क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में क्या है कि किसी स्थान के जीवी समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले वो अजीवी उनके चारों ओर जो है वो पाए जाने वाले अजीवी वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समुदाय के जीवों की रचना कार्य एवं उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके पहले भी हमने आपको ये भी डेफिनेशन बताई थी वो भी यही है और ये भी डेफिनेशन वो भी सही है। अब इसमें बात आती है कि आप जो है पारिस्थितिक तंत्र को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो है वो घटक होते हैं, दो घटक हैं, अजीवी घटक और अजीवी घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट। बात करते हैं हम लोग जीवी घटक की।
इसमें आपके उत्पादक है, उपभोक्ता है, इसमें आपकी जो है वो तीन चार प्रकार के आएंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी। ये जो उपभोक्ता है ये आपस में एक दूसरे से जो है भोजन के लिए जो है वो संघर्ष करते रहते हैं। तीसरा है आपका अपघटनकर्ता यानी कि डिकम्पोजर्स। अब बताते हैं अजीवी घटक के, इसमें आपका अकार्बनिक पदार्थ है जिसे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इसमें आपका जल है, लवण है और गैसें आ जाएंगी। दूसरा आपका कार्बनिक पदार्थ है यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, यूरिया एवं ह्यूमस। तीसरा आपका भौतिक यानी फिजिकल, ताप, प्रकाश, हवा और विद्युत। ये हो गया आपका जीवी और अजीवी घटक। अब हम बात करते हैं एक एक करके, पहले बात करते हैं जीवी घटक की, इसमें हम बात करते हैं आपके उत्पादक की। तो पहले तो हम बता दें कि जीवी घटक क्या है। तो बता दें कि सभी जीवधारियों को जीवित रहने, प्रजनन करने एवं वृद्धि करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के द्वारा इन्हें ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है और पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य है, जिनके द्वारा विकिरण ऊर्जा यानी कि रेडिएंट एनर्जी प्राप्त होती है। हरे पौधे इन जो है ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अन्य जीवधारी इन्हीं पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जीवधारी को अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तथा दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें हम स्वयंपोषी कहते हैं। मतलब जो जीवधारी अपना स्वयं भोजन बनाते हैं वो किसी पर जो है वो आधार मतलब डिपेंड नहीं होते हैं, भोजन पे किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, उनको हम स्वयंपोषी कहते हैं। इसमें आपके हरे पौधे आ जाएंगे क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। अब इसमें बात आती है आपकी जो है और दूसरे टाइप के भी जो जीवधारी होते हैं जो भोजन के लिए सदैव क्या करते हैं, दूसरों पर जो है वो आश्रित रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम लोग परपोषी कहते हैं। जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। अब इसमें बात आती है आपके उत्पादक की। तो उत्पादक क्या है, इसके अंतर्गत वे सभी हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 एवं जल को पर्णहरिण की उपस्थित में सूर्य के प्रकाश द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। ये ग्लूकोज भोजन के रूप में पौधों में एकत्रित होता रहता है और श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा जो है वो प्रदान करता है। तो इसमें आपकी एक रिएक्शन भी है, इसमें जो हमने बताया उत्पादक में 6 CO2 + 12 H2O, इसमें जो है क्लोरोफिल और जो है सनलाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में आपका C6H12O6 + 6O2 + 6H2O यानी कि ये आपका जो है वो हो गया ग्लूकोज, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट बात करते हैं उपभोक्ता की। तो इसके हम बात करते हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता क्या है, इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों यानी कि जो ये उत्पादक हैं आपके प्रोड्यूसर्स प्राथमिक उत्पादों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उत्पादों को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को शाकाहारी तथा इन शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारियों को मांसाहारी कहते हैं। इस प्रकार के सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है। क्या होता है, परपोषी गुण जो है वो पाया जाता है यानी कि वो अपने भोजन के लिए स्वयं अपना भोजन ना बना के दूसरे जो है वो जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका इसमें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो इसमें वे जीवधारी आते हैं, आपको उपभोक्ता हो गया। अब नेक्स्ट है आपका इसमें आपके चार प्रकार के, इसमें पहला हम बात करते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता क्या है, वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादों अथवा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो प्राथमिक उत्पादों और जो हरे पौधे होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी होते हैं। जैसे आपका हो गया गाय, शाकाहारी होते हैं, जैसे आपका हो गया गाय, बकरी, गाय हो गया, बकरी हो गया आपका, चूहा हो गया आपका और खरगोश हो गया। ये होते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। द्वितीय, अब हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वो अपना भोजन शाकाहारी अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को जो है वो खाकर जो है वो प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस श्रेणी में उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, जिसे टिड्डे का मेढक द्वारा खाना,
इसका एग्जाम्पल एक हो जाएगा, टिड्डे का मेढक द्वारा खाना, मेढक द्वारा जो है वो खाया जाना। तीसरा हो जाएगा आपका तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता की हम बात करें तो वे मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीय श्रेणी के, ये जो आपका द्वितीय श्रेणी है, के उपभोक्ता को खाकर अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मेढक का सांप द्वारा, इसका क्या हो जाएगा, मेढक का सांप द्वारा, मेढक का जो है वो सांप द्वारा खाया जाना। अब इसमें बात आती है, नेक्स्ट आपकी आती है क्या कहते हैं, उच्च जो है वो मांसाहारी। तो उच्च मांसाहारी क्या है आपका, तो उच्च मांसाहारी उच्च जो है आपका मांसाहारी की हम बात करें तो उच्च जो है आपके मांसाहारी होते हैं, वे मांसाहारी जंतु आते हैं जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों को मार कर खा जाते हैं। यानी कि जितने श्रेणी के ये आपके जो है वो क्या कहते हैं हैं जंतु, उन्हें सभी को जो है वो मार कर खा जाते हैं। परंतु इन्हें कोई भी जंतु मारकर, लेकिन ये उच्च मांसाहारी वाले होते हैं, इन्हें कोई भी जंतु मारकर नहीं खा सकता है। तो जैसे हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका शेर और हो जाएगा चीता, ये हो गया आपका उच्च मांसाहारी। कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये परजीवी कहलाते हैं। कुछ जंतु दूसरे जंतु को खाकर अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते इन्हें हम ये प्रेडेटर्स कहलाते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, अर्थात सभी कुछ भोजन के रूप में खाते हैं, इन्हें सर्वभक्षी यानी ओमनिवोरस कहते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा क्या कहते हैं, मनुष्य आ जाएगा, ओमनिवोरस, ओमनिवोरस यानी कि सर्व, ओमनिवोरस आ जाएगा यानी कि आप आएगा सर्वभक्षी, यानी कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जंतुओं को खाते हैं। इसमें आपका हो जाएगा मनुष्य आपका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका जो है आता है अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता यानी कि डिकम्पोजर्स। अपघटनकर्ता क्या होते हैं कि ये वे जीवी घटक हैं जो प्रायः उत्पादक, ये जो आपका उत्पादक है, और उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं। जब उत्पादक उपभोक्ता जब ये खत्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके शरीर का जो है ये अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थों जो होते हैं वो टूट टूट कर नाइट्रोजन, CO2, लवण, फास्फोरस व कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। ये पदार्थ वायुमंडल एवं पृथ्वी में मुक्त होते रहते हैं। पौधे इन्हें ले लेते हैं, इनसे भोजन व शरीर का निर्माण करते हैं और ये जो क्रम है वो निरंतर ऐसे ही चलता रहता है। अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं मृतोपजीवी और कवक। मृतोपजीवी जो है आते हैं और क्या कहते हैं कवक जो है और जीवाणु आते हैं, और क्या आते हैं, जीवाणु और जो है वो जीवाणु आते हैं। अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते रहते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इन्हें जो है कि वो क्या अपघटन करते हो क्या कहते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मी भी जो है वो कहते हैं, इन्हें प्रकृति का जो है वो सफाई कर्मी भी कहा जाता है। अब इसमें बात करते हैं जो है, अब आती बात अजीवी जो है वो घटक की, अजीवी घटक की हम बात करते हैं। अब तो इसके अंतर्गत जैसे हमने आपको बताया कि इसके अंतर्गत जो है वो निर्जीव वातावरण आता है जो विभिन्न जो है वो जीवी घटकों का जो है वो नियंत्रण करता है। अजीवी घटक तीन घटकों में बांटा गया है आपको, जैसे बताया अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। अब इसमें हम बात करते हैं अकार्बनिक की, तो इसके अंतर्गत जल, विभिन्न प्रकार के लवण जैसे
आपका जल में बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो है वो जल विभिन्न प्रकार के जो लवण जैसे कैल्शियम पोटेशियम, जैसे आपको आता है कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है तथा सल्फर है आदि, तथा वायु की गैसें, कुछ वायु की गैसें भी आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि, ये सब आते हैं इसमें आपके अकार्बनिक जो है वो पदार्थ में। अब बताती है कार्बनिक पदार्थ की, इसके अंतर्गत मृत पौधे एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जो है वो यौगिक यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और फैट्स और उनके अपघटन द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया व ह्यूमस, ये सारे इसमें आते हैं अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थ में। अब बताते हैं इसमें भौतिक जो है वो घटक की, तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो है जल वायुवी कारक आते हैं, जैसे आपका ताप हो गया, प्रकाश हो गया, हवा हो गया, विद्युत हो गई आदि आते हैं। इन भौतिक घटकों में सूर्य ऊर्जा जो है वो मुख्य है, इन भौतिक जो घटक हैं इसमें जो सूर्य की जो ऊर्जा है प्रकाश वो जो है वो मुख्य है, जो हरे पौधों से पनहरिन द्वारा विकिरण ऊर्जा के रूप में जो है वो ली जाती है। तो ये था आपका आज का जो टॉपिक पारिस्थितिक तंत्र, उसमें कौन कौन से घटक हैं, और ये जो टॉपिक है वो यहीं से आपका समाप्त होता है।